ये है मसूर दाल और ये है दही, और थोड़ी सी मैंने ग्लिसरीन डाली है, गर्मियों के लिए परफेक्ट स्क्रब है। आप हफ्ते में 2-3 बार करें, आपकी स्किन बहुत अच्छे से एकदम, मैं जैसे ड्राई ड्राई नहीं देखी, बहुत अच्छे से एकदम स्किन ग्लो करके आएगी। तो इस तरीका से आप स्क्रब बना के नहाने से पहले 2 बार हफ्ते में। मैंने बेड वगैरह अपना सेट कर लिया है, और ये देखो इतनी तेज़ धूप है, आपको दिख रहा होगा पार्क से बिल्कुल। तो यहाँ पे तो जी कैसे हो आप सब, उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होगे। मैं हूँ सुनीता, फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में मैं अपनी स्किन पर क्या अप्लाई करती हूँ, जैसे घरेलू चीज़ है, हफ्ते में 2 बार तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आप ज़रूर करिएगा। तो मैंने आपको जैसे दिखाया, तो इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे, उसके बाद अपना फेस वॉश करने के बाद इसको हल्के हाथों से स्क्रब कर ले, और स्क्रब करके तुरंत ही धो दें, नो प्रॉब्लम। रखना नहीं है 10 मिनट रखना है या 5 मिनट रखना है, हफ्ते में 2 बार करिएगा, आपकी स्किन पर बहुत अच्छा ग्लो आएगा। और ये बहुत अच्छा है गर्मियों के टाइम पर, गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं तो हमारी स्किन बहुत रूखी रूखी सूखी सूखी एंड बड़ा बेजान से दिखती है, तो आपकी स्किन बहुत अच्छे से रहेगी। गर्मियों में अपनी स्किन का कैसे ख्याल रख सकते हैं आप, नेचुरल चीज़ें होती हैं घर की, कोई आपकी स्किन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं तो यही ट्राई करती हूँ। देखो भाई, पार्लर जाने को समय भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। और ये भी रहता है कि भाई कहीं हमारी स्किन को नुकसान ना हो जाए, कुछ मतलब चीज़ें नुकसान ना कर जाए, और इन चीज़ों से आपकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जब मैंने ये यूज करा तभी मुझे पता है, पहले मैं भी ब्लेम नहीं करती थी फालतू के, वो है ये है वो है, जब मैंने खुद अपने आप पर ट्राई करा तो सच में रिजल्ट दिखाई देता है। ये तो नहीं भाई एक दो बार कर ली तो आपको रिजल्ट दिखाई देगा, भाई टाइम लगता है, क्योंकि ये हैं घरेलू चीज़ें तो आपको पता है ये एकदम से गोरा तो नहीं बना देंगी, पर ये है कि आपकी स्किन अच्छी दिखेगी, इतना मैं कह रही हूँ। जैसे आप मेकअप करोगे या कुछ करोगे तो अच्छा दिखेगा। तो मैं नहाने जा रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि भाई चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, तो मैं आपको लगा के तो नहीं दिखा सकती, क्योंकि अभी मैंने सारा रूम वगैरह साफ़ कर दिया और बाथरूम मेरा बाहर है तो मुझे बाहर ही लगाना पड़ता है। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और मिक्स करके फिर इसको थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, फिर मैं लगाऊंगी नहाने से थोड़ी देर पहले, क्योंकि मैं तो तुरंत ही धो देना है, ये स्क्रब करके तुरंत ही धो देना, आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको लगाने के बाद, धोने के बाद, नहाने के बाद मिलती हूँ। फिर मैं अपने मतलब फेस धो के आ चुकी हूँ, फेस क्या पूरा ही नहा के आ चुकी हूँ, बाल भी धोए मैंने। आप इस तरीका से स्क्रब बनाएं और लगाएं, आपको अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। आप देख सकते हैं मेरी स्किन ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कुछ लगाया है, अभी मैंने कुछ नहीं लगाया है, अब मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइजर। आप तुरंत भी लगा सकते हो, तो चुप कराने की वजह से मेरे को नहीं लगा पाई, और मैंने बाल भी धोए हैं। मैं बालों में भी कभी कंडीशनर नहीं लगाती हूँ, घरेलू ही चीज़ें लगाती हूँ, जैसे मेथी दाने का पानी हो गया, चावल का पानी हो गया, ये सब चीज़ें मैं शैम्पू के बाद अपने बालों में जैसे ऊपर से पानी डाल के फिर बाल ऐसे ही छोड़ देती हूँ, मेथी दाने का पानी एंड चावल का पानी। इस तरीके से आप अपने बालों का भी ध्यान रख सकते हैं। तो मैं अपने बाल आपको दिखाऊंगी सूखने के बाद, तब मिलती हूँ मैं आपसे। तो मैंने सोचा बाल सूख रहे हैं तब तक सब्जी बना लेती हूँ, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे सब्जी। तो मैंने कुकर रख दिया, अब इसमें डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा तेल। मैं बना रही हूँ दाल की बरियाँ, जो उड़द दाल की, मूंग दाल की भी बरियाँ बनती हैं, तो इनको पहले कर लेंगे फ्राई। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं चावल के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। सर्दियों में बना के स्टोर करके रख लेते हैं, कुछ लोगों को तो बहुत अच्छे से पता है, कुछ लोगों को नहीं पता, तो इनको थोड़ी सी फ्राई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है हमारी बरियों में काफ़ी अच्छा मतलब टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने जीरा लगा दिया, लाल 2 मिर्च, पता नहीं क्यों मैं हर एक सब्जी में 2 साबुत लाल मिर्ची ज़रूर लगाती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जब मैं इनको देखती हूँ सब्जी जब जैसे बन जाती है उनके बाद, मुझे कलर काफ़ी अच्छा लगता है। ज़्यादा मसाले हम कुछ नहीं डालेंगे, इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा एक टमाटर, आप डाल भी सकते हो ना भी डाल सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। कुछ बेसिक मसाले जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक स्वाद अनुसार मैंने ये सारे डाल दिए हैं। और मैंने लहसुन अदरक का थोड़ा सा बनाया था पेस्ट, प्याज का वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, और एक आलू काट लिया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो इनको अब हम पानी थोड़ा सा लगा के बंद कर देंगे, 2-3 सीटी में बन जाए। आप कढ़ाई में भी बना सकते हो, मैं कुकर में बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास इंडक्शन की कढ़ाई नहीं है, सिर्फ कुकर है। तो इनको बनने रख देते हैं, मैं अब आपको अपने बाल दिखाती हूँ।
मेरे ये बाल बिल्कुल सूख चुके हैं, आप देख सकते हो कितनी, मतलब ऐसा लगता है जैसे हमने कंडीशनर कर रखा है, और बहुत मतलब अच्छा लगता है। जैसे आप इस सब चीज़ों को ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेके आती है। पर ये है कि थोड़ा सा इन सब चीज़ों में रेगुलर रहना पड़ेगा, ये नहीं कि एक महीने में एक बार कर लिया, ऐसा नहीं, कम से कम दो बार तो करना ही चाहिए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। अब मैं अपने बालों में ना, मैं अपने बालों को बहुत कम केयर कर पाती हूँ, आपको पता ही, छोटे बच्चे के साथ थोड़ी दिक्कत हो जाती है, और बालों में इतनी अच्छी शाइनिंग आती है इन सब चीज़ों को करने के बाद, तो मुझे अपने आप से ही काफ़ी अच्छा फील होता है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर एक लाइक कर दिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।